नमस्कार, घर का खाना सेहत का खजाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ मिल्केक की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। दूध से बना यह मिल्केक बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे किसी त्यौहार या फिर जब चाहे बना सकते हैं। मिल्केक की खास बात यह है कि बहुत ही कम सामग्री में आसानी से बन जाता है। तो चलिए मिल्केक बनाना शुरू करते हैं। मिल्केक बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी 200 ग्राम, इलायची पाउडर 2 छोटे चम्मच। इलायची पाउडर बनाने के लिए आप इलायची को मिक्सर में 1-2 चम्मच चीनी डालकर बारीक पीस लें और इसे छान लें। इस तरह से इलायची पाउडर बनकर तैयार कर लीजिए। घी करीब 2.5 चम्मच, नींबू 1। अब हम लेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे फुल क्रीम दूध 2 लीटर। और तेज आंच में दूध को उबाल लेंगे ताकि जल्दी से दूध उबल जाए। लेकिन दूध उबलते वक्त हमें दूध की तरफ पूरा ध्यान रखना है। अगर जरा भी ध्यान हटा तो दूध उबल के नीचे आ जाएगा, तो इस बात का दूध उबालते वक्त ध्यान रखें। दूध को लगातार चलाना बहुत जरूरी है ताकि दूध कढ़ाई के तले में चिपके ना, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। दूध उबलना शुरू हो गया है। अब हम दूध को कलछी की हेल्प से लगातार चलाते रहेंगे इस तरह से। और इसी तरह से लगातार चलाते तब तक पकाना है जब तक कि दूध 1/3 ना रह जाए, यानी कि दूध का 1/3 भाग रह जाने पर इसे हमें पकाना है। ये देखिए दूध हमारा गाढ़ा होकर 1/3 रह गया है और ये कितना गाढ़ा लग रहा है। इसे मैं लगातार चलाते हुए तेज आंच में पकाते हुए करीब 1/2 घंटा लग गया है, तब जाकर हमारा दूध इतना गाढ़ा हुआ है। अब हम गैस को धीमा कर लेंगे। दूध को दानेदार बनाने के लिए हम लेंगे एक नींबू और इसे काट कर कटोरी में इसका रस निकाल लेंगे। और 4 से 5 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब एक कटोरी में इसे छान लेंगे। और अब इस नींबू के रस को हम दूध में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1/2 मिनट तक धीमी आंच पर बिना चलाए दूध को रहने देंगे। आधा मिनट हो गया है और अब हम दूध को फिर से लगातार चलाते हुए थोड़ा और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। गैस को थोड़ा तेज कर लेंगे और इसी तरह से चलाते हुए इसे थोड़ा और पकाएंगे। ये देखिए दूध काफी गाढ़ा लग रहा है और इसमें बारीक दाने भी आ गए हैं। दूध दानेदार लग रहा है। इसे हम लगातार चलाते हुए थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। दूध थोड़ा और गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी और अच्छे से मिक्स कर देंगे और लगातार इसे चलाते हुए हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। दूध थोड़ा और गाढ़ा हो गया है
और ये थोड़ा उछल भी रहा है। दूध जब उछलने लगे तब हम गैस को धीमा कर लेंगे। तो गैस को हम धीमा कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। घी डालने से दूध का थोड़ा उछलना कम हो जाता है और मिल्क केक सॉफ्ट भी बनता है। और 1-2 मिनट लगातार चलाने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर से लगातार चलाते हुए इसे 1 मिनट तक और पकाएंगे। ये और गाढ़ा हो गया है और थोड़ा उछल भी रहा है, तो थोड़ा केयरफुली से हम चलाएंगे। गैस को धीमा कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे लगातार चलाते हुए अभी हमें इसे और पकाना है। अब हम मिल्की को जमाने के लिए बर्तन तैयार कर लेते हैं, लेकिन इसको हमें चलाने का बराबर ध्यान रखना है। अब हम छोटा सा कोई भी गहरा बर्तन लेंगे और इसके अंदर तले हुए चारों तरफ हाथ से थोड़ा घी लगा लेंगे अच्छी तरह से। ये हमने घी लगाकर मिल्क केक जमाने के लिए बर्तन तैयार कर लिया है। और अब हम मिश्रण को चेक कर लेंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पकाकर गाढ़ा करना है। गैस को हम अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारा मिश्रण काफ़ी गाढ़ा हो गया है। गैस को अब हमने धीमा कर रखा है। अब हम इसे तेज़ आँच में बिल्कुल भी नहीं पका सकते। अभी हमें इसे थोड़ा इसी तरह और चलाना है। अब हमारा मिश्रण ऑलमोस्ट जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है और ये अब कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है। इसे हम और ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये हार्ड हो जाएगा। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे जमाने के लिए घी लगे हुए बर्तन में डाल देंगे। अब इसे हम चम्मच से एक जैसा बराबर सेट कर देंगे और ढककर 4 से 5 घंटे के लिए जमने के लिए कहीं भी सेफ जगह रख देंगे। 5 घंटे हो गए हैं, तो चलिए मिल्क केक को चेक कर लेते हैं। हमारा मिल्क केक जमकर तैयार हो गया है। अब इसे हम बर्तन में से निकाल लेंगे। इसे निकालने के लिए हम मिल्क केक के चारों तरफ किनारे से चाकू की हेल्प से बर्तन से अलग कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसको बिल्कुल धीमी आंच में गैस में रख देंगे करीब 7-8 सेकंड्स तक, ताकि ये तले को छोड़ दे। और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे किसी प्लेट में उलट लेंगे। और ये देखिए कितने आराम से मिल्क केक इसमें से निकल गया है। मिल्क केक एकदम बढ़िया जमा है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अब इसे हम चाकू की हेल्प से अपने मनपसंद टुकड़ों में काट लेंगे।
मिल्के को हमने पीसेस में काट लिया है। और अब हम इसे बादाम से गार्निश कर लेंगे। बहुत ही सुंदर, स्वादिष्ट और लाजवाब मिल्क केक बना है। इसे बनाते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि दूध गाढ़ा करते समय दूध को लगातार चलाना होता है ताकि दूध कढ़ाई के तले लगे नहीं। दूसरा, इसे बनाते समय पेशेंस की जरूरत होती है क्योंकि इसे बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। इसे बनाने में हमें करीब 1.25 घंटा लगा है। बस इन्हीं कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है इसे बनाते वक्त। तो आप इसे जरूर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में जो बेल बटन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तो घर का खाइए, सेहत बनाइए और हमेशा फिट रहिए। नमस्कार।